नमस्कार, मेनपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकित द्विवेदी। कस्बा भोगांव में स्वर्गीय सतीश चंद्र दीक्षित स्मृति अखिल भारतीय क्रिकेट टूर्नामेंट के फाइनल में आगरा की टीम ने इटावा को हराकर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। इस मौके पर पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष उपमा दीक्षित ने खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए। देखिए हमारे संवाददाता गुलजार अहमद की ये रिपोर्ट। जनपद मैनपुरी के कस्बा भोगांव के नेशनल महाविद्यालय के मैदान में खेले गए फाइनल मैच में टॉस जीतकर आगरा के कप्तान मनिक बेरी ने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। आगरा की टीम निर्धारित 25 ओवर में महज 23 ओवर ही खेल सकी और पूरे 132 रन पर धराशायी हो गई। इटावा की ओर से गेंदबाजी करते हुए अमित चाहर ने 4 विकेट लिए। जवाब में खेलने उतरी सौर क्रिकेट क्लब इटावा की पूरी टीम 21 ओवर ही खेल सकी और 111 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, मैनपुरी। आगरा की टीम जो मैच जीती है, यहाँ पे कैसा महसूस हुआ, कैसा खेले हैं आप? बहुत, एक तो टूर्नामेंट समिति को मैं धन्यवाद करना चाहूंगा, बहुत अच्छा टूर्नामेंट कराती है, 4-5 साल से अच्छा टूर्नामेंट करा रही है और इसमें बहुत ही अच्छा मैच हुआ, लो स्कोरिंग मैच था। इटावा की टीम बहुत अच्छा खेली लेकिन हम लोग थोड़ा और अच्छा खेले। तो अच्छा भाई, टूर्नामेंट का जो आयोजन हुआ है कौन सा संस्करण था, कितनी टीमों ने भाग लिया है, जो फाइनल मैच हुआ है कौन सी टीम जीती है, इसके बारे में बताएं। 11वां संस्करण था, 2008 से इस टूर्नामेंट की शुरुआत हुई और इसमें इस टूर्नामेंट में 2019 में 10 टीमों ने भाग लिया जो कि 2 जनवरी से 10 जनवरी तक चला। आज इसका समापन हुआ और इसमें आगरा की टीम ने इटावा की टीम को हराकर इस टूर्नामेंट की ट्रॉफी और कैश मनी प्राइज 50,000 रुपये जो कि था उसको जीता है। और ये आगरा की टीम 5वीं बार इस टूर्नामेंट में विजयी रही है